नमस्कार, मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल। पिक्चर प्लस पर पेश है पर्दे पर कश्मीर। आज हम उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसकी कहानी आपकी सुनी हुई है। जी हाँ, वही मशहूर कहानी, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। 1965 में एक फिल्म आई, जब जब फूल खिले। शशि कपूर और नंदा की ये फिल्म उस वक्त एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी गई। इसे साल भर की 10 फिल्मों में सर्वाधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म के रूप में देखा गया। इस फिल्म का जलवा बाद के कई दशक तक इस तरह बरकरार रहा कि 1996 में इसी फिल्म पर आधारित एक और मशहूर फिल्म राजा हिंदुस्तानी हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिली। जब जब फूल खिले एक ऐसी फिल्म थी जिसने तब के कश्मीर को न केवल उसकी सूरत में बल्कि उसकी सीरत में, उसकी फितरत में, उसकी नज़ाकत में, उसकी चाहत में इस तरह फिल्माया कि कश्मीर लोगों के दिल में बस गया। फिल्म की नायिका नंदा एक बेहद संपन्न घराने से ताल्लुक़ रखती थी और वो अपनी एक सहेली के साथ कश्मीर घूमने चली आई, जहां उसकी भेंट हुई राजा यानी शशि कपूर के साथ, जो कि एक नाव के मालिक थे और इसी पर मेज़बानी की उन्होंने नायिका नंदा की। दोनों के बीच प्रेम पनप गया। खूबसूरत वादियों में खूबसूरत गीतों का एक सैलाब सा आया और जैसा कि अक्सर होता है, कहीं ना कहीं कोई न कोई विरोध व्यवधान इस प्रेम कहानी में भी आता है। यहाँ आया अमीरी और गरीबी को लेकर। नंदा के पिता ये नहीं चाहते थे कि एक नाविक के साथ वो अपनी बेटी का रिश्ता कर दें, क्योंकि उन्होंने उसके पति के रूप में यानी अपने होने वाले दामाद के रूप में एक शख्स का चयन पहले से ही कर रखा था। लेकिन नंदा का मन रखने के लिए, उसकी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने ये कहा कि यदि तुम अपने प्रेमी को उसके तौर तरीके बदल कर हमारे समाज के काबिल बना सको तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। और अभिनेत्री नंदा के इस प्रयास से शशि कपूर ने अपना चोगा बदला, अपना चोला बदला, अपना बाहर से दिखाई देने वाला रूप बदला, लेकिन शशि कपूर अपना ज़मीर नहीं बदल सके। उनका ज़मीर वही सच्चा सीधा एक नेक इंसान का रहा, जो उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। और यही बात फिल्म में एक बड़े खलनायक के रूप में उभरी और अंततः उन्हें अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। किंतु फिल्म ने अंत में यही संदेश दिया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी बात, कैसी भी बात उसके रास्ते में नहीं आती। फिल्म की कहानी में कोई ऐसी बात, कोई नई बात दर्शकों के लिए न रही हो, लेकिन बेहद रस था, भावनाएं थीं, जज्बात थे और सबसे बड़ी बात इस सब के पार्श्व में छुपा हुआ कश्मीर का अद्वितीय सौंदर्य था। वो कश्मीर जहां आकर प्रेमी जोड़े अपने आप को किसी और दुनिया में मानते थे। उन्हें लगता था कि जैसे वो दुनिया जहान से
ऊपर उठ आए हैं एक ऐसे आसमान की ओर जहाँ फूलों की बस्ती तो है, रंगों की बस्ती है, खुशबुओं के डेरे हैं, लेकिन जद्दोजहद और कठिनाइयों की बातें नहीं हैं। यहीं पाठकों के साथ ये फिल्म परवान चढ़ी। इसके बेहद कर्णप्रिय संगीत ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके गानों में परदेसियों से नाखियां मिलाना तीन बार फिल्माया गया, मेल वॉइस में भी और फीमेल वॉइस में भी। ये गीत एक तरह से इस फिल्म की जान था, इस फिल्म के प्राण था। अन्य गीत ये समा समा है ये प्यार का, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जैसा कर्णप्रिय प्रेम गीत, और साथ में वो गीत एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, बेहद लोकप्रिय हुआ और प्रेम के बीच में सयाद के दखल को भी लोगों ने देखा और सयाद के इरादे पर पंछियों की जीत दर्ज हुई और एक कालजयी फिल्म 1965 में ऐसी मिली जिसकी उस समय की कमाई की तुलना यदि आप आज से भी करना चाहें तो आज के आधार पर, आज के पैमाने पर 312 करोड़ रुपए की या 41 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई इस फिल्म ने तत्काल उस समय अपने समय में की। नंदा की बेहद सफल फिल्मों में ये रही। शशि कपूर का जलवा तो ऐसा था, कहते हैं कि शशि कपूर किसी वजह से कुछ देशों में, अफ्रीकी देशों में इतने लोकप्रिय थे, जैसे राज कपूर के लिए कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता रशिया में बहुत ज़बरदस्त थी, वैसे ही शशि कपूर नाइजीरिया आदि कुछ अफ्रीकी देशों में इस तरह से लोकप्रिय थे कि उनके नाम पर, ये कहने पर कि हम शशि कपूर के देश से आए हैं, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के सौदागर एक ख़ास छूट दिया करते थे सामान पर। यह है सम्मान, यह है आदर, यह है मान जो इसके साथ जुड़ा है, उस समय की फिल्मों के साथ जुड़ा है, उस समय के तौर तरीकों और उस समय की नैतिकता के साथ जुड़ा है। तो ये बेहद कामयाब फिल्म कश्मीर की याद दिलाती है, और जब जब भी ये फिल्म बाद में पुनः पुनः रिलीज होती है, लोग खो जाते हैं दिलकश नज़ारों में जो कश्मीर की यादों के साथ जुड़े हुए हैं। यद्यपि जब आमिर खान और करिश्मा कपूर को लेकर इसका रीमेक बनाया गया, तब कश्मीर की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बदल दिया गया और वहाँ वो पालन खेत नाम की जगह पर ये शूट की गई, लेकिन फिल्म का मूल कथानक तो उसी तरह था, भावनाएं उसी तरह थीं, भंगिमाएं उसी तरह थीं, गीतों की लोकप्रियता भी वैसी ही थी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसका वास्ता कश्मीर के साथ हो। नमस्कार।